फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कुलिनरी आर्ट्स आई मीन प्रोफेशन एज अ शेफ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो डू यू एंजॉय कुकिंग? क्या आप हमेशा ये इमेजिन करते हो कि आपका किचन ही आपका वर्क प्लेस बन जाए rather than a cubicle or a desk? तो कुलिनरी आर्ट्स एज अ प्रोफेशन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो अगर आपने बचपन से ही संजीव कपूर का खाना खजाना देखकर आप इंस्पायर हुए हो तो ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। कुलिनरी आर्ट इज अ टैलेंट फॉर कुकिंग। कुलिनरी आर्टिस्ट दे स्टडीज रेसिपीज एंड प्रिपेयर्स हाई क्वालिटी डिशेस। सो इट इंक्लूड्स बेकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, सुपरवाइजन ऑफ द किचन और द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड ऑन योर प्लेट्स। तो इस वीडियो में हम कुलिनरी आर्ट्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे, बट इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो कुलिनरी आर्ट्स में जो प्रोफेशनल काम करते हैं उनको शेफ, कुलिनेरियन, कुलिनरी आर्टिस्ट या फिर कुक्स भी कहते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल आपको न्यूट्रिशन, कुलिनरी साइंस, प्रॉपर डाइट एंड द आर्ट ऑफ फूड प्रेजेंटेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो दिस प्रोफेशन इज आइडियल फॉर द एस्पिरेंट्स हु विश टू वर्क इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। एस्पिरेंट्स दे कैन आल्सो वर्क फॉर किचन मैनेजमेंट एंड होटल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। तो फॉर एग्जांपल्स गॉर्डन रैमसे, जिमी ओलिवर, वोल्फगैंग पक, मार्को पियर वाइट and संजीव कपूर, they are some of the top culinarians in the world. बहुत सारे roles and responsibilities होते हैं in culinary arts, like they generally plan, direct और supervise करते हैं food preparation या cooking activities of multiple kitchens or restaurants in an establishment such as restaurant chains, hospitals or hotels. ये लोग decide करते हैं कि how food is presented and create decorative food displays. Then they generally prepare and cook foods of all types, either regularly or for special guests for special functions. They also experiment with recipes and suggest new ingredients. Then they also check the quality of raw or cooked food products to ensure that standards are met. Then ये लोग sanitation practices को भी monitor करते हैं to ensure that employees follows standards and regulation. Then they also estimate amounts and cost of required supplies such as food and ingredients. इसके अलावा they coordinate planning and budgeting or purchasing of all the food operations within the establishments such as clubs, hotels or restaurant chains. Then ये लोग recipes को भी analyze करते हैं to assign prices to the menu items based on food, labor and overhead cost. तो काफी सारे इनके work profiles रहते हैं। तो अगर मैं एजुकेशन पाथवे की बात करूं तो एक शेफ बनने के लिए 4 तरीके के रास्ते हैं। तो फर्स्ट वे इज कि स्टूडेंट कैन डू 12th इन एनी स्ट्रीम। उसके बाद दे नीड टू कंप्लीट बीए इन कुलिनरी आर्ट्स एंड फर्दर यू कैन प्रोसीड विद डिप्लोमा और पीजी इन कुलिनरी आर्ट्स। सेकेंड वे इज कि आपने 12th किसी भी स्ट्रीम में कर लिया, उसके बाद आप बीए कर लो इन केटरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड उसके बाद यू कैन डू डिप्लोमा और पीजी इन केटरिंग एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड वे इज कि डू 12th इन एनी स्ट्रीम, उसके बाद यू कैन कंप्लीट बीएससी इन केटरिंग और कुलिनरी आर्ट्स एंड फर्दर यू कैन प्रोसीड विद डिप्लोमा और पीजी इन केटरिंग और कुलिनरी आर्ट्स। द फोर्थ वे इज कि स्टूडेंट कैन डू 12th एनी स्ट्रीम देन कंप्लीट योर ग्रेजुएशन इन होटल मैनेजमेंट एंड उसके बाद यू कैन डू डिप्लोमा और पीजी इन शेफ्स मैनेजमेंट। तो here is the list of top colleges for culinary arts. एक बार आप शेफ बनते हो तो आप काफ़ी सारे स्किल्स को एक्वायर करते हो या सीखते हो, लाइक यू विल लर्न अबाउट कुकिंग एंड बेकिंग टेक्निक्स, गार्निशिंग, नाइफ स्किल्स, फूड कार्विंग, प्लेट प्रेजेंटेशन, फूड फोटोग्राफी, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप टीवी प्रोग्राम्स लाइक मास्टर शेफ या फिर खाना खजाना देखे टू लर्न मोर अबाउट शेफ प्रोफाइल्स एंड देयर स्किल्स। तो मैं वर्क प्रोफाइल्स की बात कर रहा था। सो आफ्टर शेफ मैनेजमेंट यू कैन बिकम अ बेकर और अ मास्टर शेफ और अ पेस्ट्री शेफ या फिर आप एक कुलिनरी शेफ भी बन सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जो हायर करती है ग्रेजुएट्स को, लाइक वी हैव ITC ग्रुप ऑफ होटल्स, देन वी हैव ओबेरॉय ग्रुप्स ऑफ होटल्स, ली मेडिटेररेन ग्रुप्स ऑफ होटल, कैसीनो ग्रुप ऑफ होटल्स, and we have Welcome Heritage group of hotels and of course we have Taj group of hotels also. अगर मैं सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करूँ तो सैलरी काफ़ी डिसेंट होती है इन culinary arts. So for freshers, average salary is 3 to 4 lakhs per annum. At chef के level पे salary is like more than 50 to 20 lakhs per annum also. So this was all about career in culinary arts. इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स तक अवेयरनेस बढ़ सके। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सो काइंडली लाइक दिस वीडियो ताकि यूट्यूब एल्गोरिथम इस वीडियो को पुश करे जिससे दूसरों को भी अवेयरनेस मिलेगी। अगर आपको किसी और करियर ऑप्शन के बारे में जानना हो तो डू कमेंट, एंड हमारे चैनल का यही पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर करियर्स। एंड अगर आप मेरे इस काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।